हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स पंडा। दोस्तों, एमबीबीएस पीओ क्लेरिकल सबके रिजल्ट आउट हुए हैं। एक चीज है, काफी लोगों का मैंने कॉमन देखा है कि दोनों में सिलेक्शन हो चुका है, पीओ में भी क्लेरिकल में भी। तो बिंदास पीओ के लिए जाना है, कोई ऐसा कंफ्यूजन माइंड में मत लाओ कि सर मुझे पंजाब नेशनल बैंक में एज अ क्लेरिकल मिला है तो मैं यहां पर चला जाऊं, या फिर मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ पीओ मिला है तो इन दोनों में से कौन सा चूज करूं। कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं, पीओ ऑफिसर लेवल है, ऑफिसर लेवल इज ऑफिसर लेवल, क्लेरिकल कैडर इज क्लेरिकल कैडर। तो सिंपल सी बात है, कहीं पर भी ऑफिसर कैडर आपको मिला है तो गो फॉर इट, दैट इज द बेस्ट चॉइस फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, और बाकी गाइस मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग रीजंस के उनका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी के लिए एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आगे आपका जो फर्दर प्रोसेस है, डीवी का प्रोसेस हो या फिर आगे जो भी चीज़ें हैं, वो आपको मेल से कम्युनिकेट की जाएंगी। तो अपना ईमेल आईडी रेगुलर चेक करो और विद इन 15 डेज टू लगभग 30 डेज के अंदर अंदर में जो रिस्पेक्टिव ब्रांच होगी आपकी, जो बैंक होगी, वहाँ की वेबसाइट पर इंटीमेशन आ जाएगा कि जिस सीआरपी में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो फर्दर ये डेडलाइंस हैं, आगे आगे हम इस तरीके से मूव करेंगे। और आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपका यूज अच्छे से होगा, और आपका ईमेल आईडी, इन दोनों पर ही पूरा कम्युनिकेशन गाइस स्टार्ट होगा। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आगे हम लोग कनेक्ट रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू गाइस।